हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके माउंट्स काफी उभरे हुए हैं और जो आकृति है हैंड की वो कुछ हद तक चकोर बन रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को हम चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफी थिक हैं और सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जो अगर सभी फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति काफी मिलनसार होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की जो थिकनेस है, यहां से आप चेक कर सकते हैं जो बेस फैलेंजेस हैं काफी थिक नजर आ रही हैं फिंगर्स। इसकी वजह से अच्छी एनर्जी और स्टेमिना इनके भीतर रहेगा। फिंगर्स के बीच में कुछ गैप्स, खास तौर पर इनकी सूर्य और शनि फिंगर के बीच में कुछ गैप नजर आ रहा है। इस तरह के गैप्स अगर सभी फिंगर्स के बीच में हो तो व्यक्ति काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो यहां पर सिर्फ दो ही फिंगर्स के बीच में गैप है, जिस वजह से थोड़ी इंडिपेंडेंट और खर्चीली नेचर रहेगी, लेकिन बाकी की फिंगर्स अच्छी होने की वजह से धन की अहमियत समझेंगे ये, और धन की अहमियत समझने के साथ साथ धन को संचय कर पाएंगे, एकुमुलेट कर पाएंगे, क्योंकि बाकी के फिंगर्स के बीच में और बेस फैलेंजेस में कोई भी गैप यहां पर नजर नहीं आ रहा। आगे आप देख सकते हैं फिंगर्स की लंबाई को। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सूर्य फिंगर की जो लंबाई है वो इनकी शनि फिंगर के टॉप तक पहुंच रही है। यहां तक आप देख सकते हैं, यहां इनकी शनि फिंगर है, बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर जो हार्डवर्किंग नेचर को शो करती है, लेकिन सूर्य फिंगर भी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जो यहां पर दर्शाती है कि ऐसे नेटिव एडवेंचरस हो सकते हैं, रिस्क टेकर हो सकते हैं, लाइफ में डिसीजन लेते वक्त जल्दबाजी दिखा सकते हैं। और इवन ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई काफी ज्यादा होती है, बेशक इनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन धन के मामले में कई बार इन्वेस्टमेंट्स के मामले में रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर बैठते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसी जगहों पर भी अपना धन लगा बैठते हैं ऐसे व्यक्ति। और ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को क्रिएटिव बनाता है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहते, क्रिएटिविटी काफी अच्छी होती है और सोसाइटी में भी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आड़ी रेखा नजर आ रही है, कुछ इस तरह की, जितनी ज्यादा आड़ी रेखाएं ऐसी हों उतनी ज्यादा अग्रेशन रहती है। तो यहाँ पर एक ही फिंगर के ऊपर ऐसी डीप कट आड़ी लाइन है, जिस वजह से थोड़ी अग्रेशन भी इनके भीतर रहेगी। ओवरऑल शनि फिंगर काफी स्ट्रांग है, जिस वजह से मेहनती नेचर रहेगी, हार्डवर्किंग रहेंगे ये। और अगर हम बृहस्पति यानी कि गुरु फिंगर की बात करें, यह जो फिंगर है जिसको हम जुपिटर फिंगर कहते हैं, गुरु की उंगली यह कहलाती है, इसकी लेंथ यहाँ पर कम नहीं है। बेशक हम कंपेयर करते हैं इनकी सूर्य फिंगर के साथ तो थोड़ी सी आपको कम नजर आएगी, लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली चेक किया जाए तो बिल्कुल स्ट्रांग फिंगर है। इस वजह से नॉलेज इनकी काफी अच्छी रहेगी, लीडरशिप क्वालिटीज इनके भीतर काफी अच्छी रहने वाली हैं। तो ओवरऑल ये तीनों फिंगर्स यहाँ पर काफी स्ट्रांग नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी मर्करी फिंगर लो सेट हो रही है, लेकिन लंबाई में कम नहीं है। लंबाई में इस फिंगर का होना इंडिकेट करता है काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को। अगर यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो और सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच जाए तो यह दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति काफी विटी हो सकता है, काफी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिक पावर और काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग बिजनेस करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती है। लेकिन साथ ही साथ यह फिंगर लो सेट हो रही है, जो शाई नेचर देगी, हेजिटेशन वाला स्वभाव भी रहेगा। और कई बार ऐसे व्यक्ति जब अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को बताना चाहते हैं, तो उन्हें सही समय पर सही शब्द नहीं मिल पाते। इस तरह की दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ सकता है।
ओवरऑल फिंगर्स की लंबाई यहां पर काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स बता रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनके तीनों माउंट्स, या सूर्य माउंट है, या शनि माउंट है, और यह गुरु माउंट, तीनों काफी प्रोमिनेंट है। सिर्फ इनका जो मर्करी माउंट है वही लो सेट है, लेकिन बहुत ज्यादा वीक इसको भी हम नहीं कहेंगे। लो सेट जरूर है, लेकिन मर्करी रेखा मौजूद है। मर्करी माउंट के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं अगर किसी भी नेटिव के हाथ पर होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति एक काफी अच्छा सोशल वर्कर भी हो सकता है। आप देख सकते हैं ऐसी खड़ी रेखाएं और एक लंबी रेखा यहाँ पर नजर आ रही है। इस तरह की रेखाओं को मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति की जो नेचर होती है काफी सिंपैथेटिक होती है। सोशल वर्क करने वाले या किसी न किसी तरह से मेडिकल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं ऐसे नेटिव, या समाज सेवा का काम करते हैं, दूसरों की हेल्प करने की नेचर ऐसे व्यक्ति की बन जाती है जब इस तरह की खड़ी रेखाएं इस माउंट के ऊपर मौजूद हों। काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफी अच्छा बिजनेस एक्यूमन भी रहता है जब एक लंबी मर्करी लाइन नीचे से शुरू होकर मर्करी माउंट तक पहुंच जाए, तो ये सभी क्वालिटीज इनके भीतर सहज ही आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सूर्य माउंट को। सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर दो सूर्य रेखाएं नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की, अगर लंबी सूर्य रेखा मौजूद हो, कुछ इस तरह की एक लंबी सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो नेटिव को बहुत फेम मिलता है। तो यहाँ पर यश मिलने में थोड़ी सी कमी रहेगी, लिटरेज में चलकर काफी अच्छा फेम यह पा सकेंगे क्योंकि सूर्य रेखाएं मौजूद हैं, तो ऐसे व्यक्ति को फेम जरूर मिलता है, काफी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में होती है। लेकिन यह रेखा की लंबाई के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर यह रेखा लंबी हो तो छोटी एज से फेम मिलता है, अगर यह रेखा हार्ट लाइन के ऊपर हो तो लेटर एज में चलकर ही व्यक्ति काफी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में बना पाता है। बात करते हैं इनके शनि माउंट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो शनि माउंट है अंदर की तरफ दबता हुआ, शनि फिंगर काफी अच्छी लेंथ में है। शनि माउंट का दबना यानी कि यह वाला जो एरिया है, अगर यह अंदर की तरफ दब रहा हो तो नेटिव को लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का भी सामना करना पड़ता है। काफी मेहनत, काफी हार्ड वर्क ऐसे व्यक्ति की लाइफ में आ जाता है। और अगर हम शनि रेखा की बात करें तो काफी अच्छी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है और यह शनि रेखा कंप्लीटली शनि माउंट तक नहीं पहुंच पा रही। आपको क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा, अगर आप इसको बहुत ही क्लोजअप में भी चेक करते हैं तो आपको यहां पर कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। शनि माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना, इस तरह की खड़ी रेखाएं अगर हो तो यह नेटिव को ओल्ड एज में अच्छी इनकम दे देती है। लेकिन अगर यह रेखा कहीं पर भी आकर रुकती है तो हार्डवर्क और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके केस में जो शनि रेखा है लगभग इनकी माइंड लाइन तक काफी अच्छे से चल रही है और एक काफी अच्छा मनी ट्रायंगल बना रही है। यह जो रेखा है यहां तक, उसके बाद यह जो लाइन है इसको कहा जाता है माइंड लाइन, और यह जो लाइन है इसको कहा जाता है मर्करी लाइन। जब ये तीन रेखाएं मौजूद होती हैं तो एक त्रिकोण बनता है जिसको मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और ऐसा त्रिकोण अगर हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति धन के मामले में लकी हो जाता है और ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा धन इकट्ठा कर पाता है। लेकिन अगर अब आगे देखा जाए तो यहाँ पर यह रेखा वीक हो रही है, यानी कि इन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना होगा। 36 की एज तक यह रेखा एक स्ट्रॉन्ग रेखा के रूप में नजर आ रही है, लेकिन उसके आगे यह रेखा नजर नहीं आ रही, वीक हो रही है, जो दर्शाती है कि लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। 36 की एज के बाद स्ट्रगल जो है इनकी बढ़ सकती है, लेकिन बाकी के जो चिन्ह है वो पॉजिटिव है, जिस वजह से इन्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी मेहनत लाइफ में रहेगी लेकिन जल्दी सब कुछ अचीव कर पाएंगे और काफी अच्छी प्रोग्रेस अपनी लाइफ में फिर से देख पाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो गुरु माउंट है, गुरु माउंट का जो एरिया है काफी प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ है। इस माउंट पर ऊपर की तरफ चलने वाली कुछ रेखाएं नजर आ रही है, ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की लाइफ में प्रोग्रेस अच्छी रहती है। और बृहस्पति माउंट अगर स्ट्रांग हो, उभरा हुआ हो, तो लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहती है, फैमिली की सपोर्ट मिलती है ऐसे व्यक्ति को। और इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है, एजुकेटेड होता है ऐसा व्यक्ति, तो यहाँ की क्वालिटीज इनके भीतर आना स्वाभाविक रहेगा। बात करते हैं इनके अंगूठे पर बनने वाले यव के चिन्ह की। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आंख जैसा चिन्ह आपको नजर आएगा कुछ इस तरह से, और एक रेखा इसके ऊपर कुछ इस तरह से। इस तरह का बुद्धाशाही का चिन्ह अगर हथेली पर बनता है, अंगूठे के ज्वाइंट पे बनता है, तो ऐसे नेटिव की सिक्स सेंस काफी अच्छी रहती है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे नेटिव का काफी झुकाव हो जाता है। तो यहाँ पर यह पॉजिटिव चिन्ह इनके हाथ में नजर आ रहा है।
जो यहाँ पर भाग्य रेखा वीक हो रही है, इस वजह से थोड़ी सी स्ट्रगल बढ़ जाएगी लाइफ में, लेकिन ओवरऑल बाकी की रेखाएं काफी पॉजिटिव चिन्ह यहाँ पर दर्शा रही हैं। अब देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ इनकी हार्ट की लाइन को, हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से कर्व में नजर आ रही है। इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन नेटिव को थोड़ा इमोशनल भी बनाती है, केयरिंग टाइप की नेचर रहती है। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी वीकनेस यहाँ पर थोड़ी शैलो होती हुई, जो लगभग एज रहेगी 55 के आसपास, थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है, थोड़ी सी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर हार्ट की लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। और आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, माइंड की लाइन कुछ इस तरह से स्ट्रेट चलती हुई एक प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है। अगर यह रेखा बहुत ज्यादा झुकी हुई ना हो तो ऐसे व्यक्ति काफी प्रैक्टिकल होते हैं। और यह लाइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग माइंड को, एक अच्छी मेमोरी को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर कोई भी मेजर इशू इनकी माइंड की लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा, एक स्ट्रॉन्ग और शार्प माइंड इनका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। अब अगर इनकी लाइफ लाइन को देखा जाए तो आपको नजर आएगा लाइफ की लाइन एक प्रॉपर प्लेस पर आकर रुक रही है, आगे यह कंटिन्यू नहीं हो रही। एक अच्छी लेंथ में लाइन है, 75 से लेकर 80 के आसपास की एज रहने की संभावना। और यह रेखा अगर और कंटिन्यू होती है तो 80 प्लस के से ज्यादा एज हो सकती है। अगर यह रेखा आगे बढ़ती है कुछ इस तरह से, बाकी इस रेखा को सपोर्ट मिल पा रही है इनकी फेट लाइन की। और फेट लाइन के बिल्कुल एंड में अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इस तरह से फिश जैसा सिंबल बनता हुआ, इस तरह का चिन्ह केतु माउंट के ऊपर। अगर केतु माउंट के ऊपर इस तरह का कोई भी चिन्ह बनता है तो नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावना रहती है, अचानक धन लाभ लाइफ में होने के योग बनते हैं अगर केतु माउंट के ऊपर ऐसा चिन्ह हो। और वीनस माउंट उभरा हुआ है, थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव नेटिव को देता है। वीनस माउंट के ऊपर बारीक रेखाओं का होना, ऐसी बारीक रेखाएं कई बार फैमिली से जुड़ी कुछ चिंताएं व्यक्ति को देती है, यानी वरी लाइंस का नाम दिया जाता है। लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर वरी लाइंस इस तरह से आगे बढ़कर क्रॉस करें लाइफ लाइन को तब यह नुकसान देती हैं, लेकिन अगर ऐसी रेखाएं ना हो तो यह माइनर वरीज हो सकती हैं। थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में रहने की संभावना भी इस तरह की रेखाओं की वजह से आती है। चंद्र माउंट यहाँ पर उभरा हुआ है, चंद्र माउंट के ऊपर आड़ी लाइन नजर आ रही है, थोड़ी सी एंग्जाइटी की दिक्कत यह रेखाएं देती हैं। ऐसी रेखाएं अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति परेशान रहता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी या चिंता की बात नहीं है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।